जीवन है यार, ये चलता रहेगा, ठीक है। मुश्किलें तो आती रहती हैं, थोड़ी बहुत सताती रहती हैं, हमें कुछ ना कुछ बताती रहती हैं। हाँ, मुश्किलें क्या बताती हैं? कि आगे भी बहुत अच्छा वक्त आने वाला है। और जो भी ये लोग सोच रहे हैं कि हमारे, देखो यार, कहीं ना कहीं जब इनपुट देते हो, मेहनत करते हो, तो कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज होता ही है ना, क्योंकि आप एक जगह की एनर्जी दूसरी जगह लगा रहे हो, तो कहीं से आपने एनर्जी निकाली है। और ऐसा मत सोचो कि कभी ये काम नहीं आएगा, क्योंकि तुम एज ए स्टूडेंट अभी सोच रहे हो, तुम्हें आगे की जिंदगी नहीं पता है ना कैसी, क्या करवट लेगी, भगवान ने क्या रास्ते सोचे हैं, हम किस फील्ड में नाम चमकाएंगे, कोई पता नहीं है। आप अपने, मैं आपको एक बहुत रियलिस्टिक डाटा बताता हूँ, आप भी चेक करना अपनी जिंदगी में आज से 5-10 साल बाद में, और मैं भी, और अपने टीचर्स जितने भी आपको तमाम पढ़ा रहे हैं, राजवंत सर हैं, पंकज सर हैं, उनसे ये मत पूछना कि टॉपर ने अब क्या किया, टॉपर तो याद भी नहीं है दुनिया को, उनसे बस एक ही चीज पूछना कि सर आपकी क्लास 10वीं में या 12वीं में जो सबसे कम स्कोरिंग लड़का था, मतलब जो जस्ट पास हुआ या फेल हो गया, या मतलब बोलते ना सबसे नलायक जो लड़का था, वो आज कहाँ है, पूछो एक बार। या लड़की, लड़कियां जनरली नलायक होती नहीं है, बहुत जोरदार कर रहे हैं अपनी जिंदगी में। मुझे आज भी अच्छे से याद है, हमारी क्लास 10वीं का जो सबसे नलायक लड़का था, उसकी मम्मी उसको मेरा एग्जाम्पल दिया करती थी कि इसकी तरह पढ़ाई कर, ध्यान सुनना मेरी बात, और सिर्फ मुझसे नहीं, चलो हो सकता है मैं तो स्टोरी बना के बता रहा हूँ। राजवंत सर आपको पढ़ाते, इनसे पूछ लेना, पंकज सर पढ़ाते हैं, पूछ लेना, फैजल सर से पूछ लेना कि सर आपके बैच का सबसे नलायक, टॉपर वॉपर छोड़ दो, वो तो अच्छा ही कर रहे होंगे, उनको हटा दो, वो जनरल परसेप्शन है सबसे नलायक। तो उसकी मम्मी मेरा एग्जाम्पल देकर उसको बोला करती थी ऐसा बन। आज वो लड़का गवर्नमेंट ऑफिशियल है, बहुत तगड़ा कर लिया। अच्छा, हमारे साथ में एक लड़का पढ़ता था, 10th में उसने ड्रॉप आउट कर लिया था, 10th में ही उसने ड्रॉप मतलब स्कूल छोड़ दिया था, पढ़ाई छोड़ दी थी। मैं आपको किसी गलत काम के लिए मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझिएगा कि सर हम अब नलायक बन जाएं क्या, नहीं। मैं आपको सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि आगे चलकर जिंदगी क्या करवट लेने वाली है वो आपको नहीं पता है अभी, समझना है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने जो मेहनत की है वो आपके पास रिटर्न वापस आएगी लौट के, घबराइए नहीं। जो 10th में ड्रॉप आउट था, आज उसके पास मर्सिडीज एस क्लास, सच बोल रहा हूँ, और मेरे पास नहीं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो आज अगर आपसे कोई आगे है, दैट डजंट मीन कि वो हमेशा आगे रहेगा यार, समझो सिचुएशन को, समझो, पढ़ाई करते रहो। आई एम नॉट सेइंग कि अब कुछ लोग इससे क्या पता चला, अब तुम क्या छोटे भोले मन के हो, पता चला डाइवर्ट हो गए, बोले सर अब हम सबसे नलायक बन जाते हैं क्योंकि हम सबसे आगे निकल जाएंगे, ऐसा नहीं है। दिस एग्जाम्पल क्लियरली शोज कि अभी आप क्या कर रहे हो, आप किस पोजिशन पे हो, दैट डजंट डिसाइड और डजंट मैटर कि आप आगे चल के जिंदगी में क्या करने वाले, समझे। तो इसीलिए निष्फिक्र होकर अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बट हाँ, जितने भी एग्जाम्पल्स आप पूछोगे, सुनोगे, देखोगे, उन सभी ने किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर आपने मेहनत की है, समझ में आएगी नहीं, समझ, ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखना, और मैंने बता दिया, अब कल जब क्लास हो स्पैम वगैरह मत करना यार, टीचर पढ़ा रहा होता है, स्पैमिंग होती है तो उसको मैं ही जानता हूँ कि दुख कितना होता है, ठीक है, फिर वो क्वेश्चन काटने पे आ जाता है। आराम से एक बात पूछ लेना डाउट वाउट में कि सर आपकी क्लास का 10वीं का 12वीं का या कॉलेज का जो सबसे नलायक लड़का था, आज वो क्या कर रहा है, बस। इसीलिए आपके लिए बहुत सारा अच्छी प्लानिंग भगवान ने करके रखी है, और उसको कोई भी किसी भी तरीके से भांप नहीं सकता कि मैं बोलूंगी तुम इंजीनियर ही बनोगे, नहीं भाई, तुम में से बहुत तगड़े तगड़े सुपरस्टार बनेंगे, कोई कंपनी का सीईओ बनेगा, कोई अपना ही बिजनेस कर रहा होगा, किसी का होटल चेन चल रही होगी, यूट्यूबर कोई बनेगा, मैं नहीं बता सकता ना, बट हाँ बनेगा। तो सर अभी से वेट करना स्टार्ट करें, मैंने कहा जिसने वेट किया उसने तो, उसके तो कुछ भी नहीं हुआ। आज तक कोई आदमी देखा है जो ऐसे रोज सुबह उठता हो, ऐसे टेबल पे हाथ रख के बैठा है, बोले भगवान मेरे लिए कुछ करेंगे शायद, ऐसा तो कभी। जिस पाथ पे हो, जिसके लिए पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ते रहो, आगे देखो क्या क्या होता है, ठीक है जी। और दूसरा मैं फिर बोल रहा हूँ बेटा, जो सिलेक्ट होते हैं जब उनसे पूछा जाता है तो वो ऑर्डिनरी ही निकलते हैं, ऑर्डिनरी ही बच्चे होते हैं। छोड़ दो टॉप 100, टॉप 100 की बात बाद में करेंगे, उसके बाद के जो बच्चे हैं वो यही होते हैं।